नए कार्य का शुरुआत जो आजकल के बच्चे बच्चियां जो आज का यूथ है उसके लिए और जो अंग्रेजी से प्रभावित है उन लोगों के लिए ये एक नया संस्था कहो, नया मिशन कहो, नया ऑर्गेनाइजेशन कहो, इसका प्रारंभ आज के जन्म दिवस पे हो रहा है। इसका नाम रखा है फेस्टिवल ऑफ लाइफ, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर। आइए हम लोग जीवन के उत्सव को मनाते हैं और मिलकर मनाते हैं। जीवन एक उत्सव है और हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ष भर में कितने सारे उत्सव आते हैं, कभी रामनवमी, कभी जन्माष्टमी, कभी रक्षाबंधन, कभी कुछ कभी कुछ। पूर्णिमा भी आजकल हर महीने में एक उत्सव के रूप में हजारों लाखों लोग पूर्णम दर्शन को भी एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो हमारा तो महीने में एक उत्सव दो उत्सव तो आते ही हैं, ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें उत्सव नहीं। तो इस जीवन को भी एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए अब एक ऑफिशियली बैनर के रूप में और इसको प्रचारित प्रसारित करके जीवन के उत्सवों को इस फेस्टिवल ऑफ लाइफ सेलिब्रेट टुगेदर के बैनर नीचे सब लोग मनाएं और इसको प्रचारित करें और इसके तहत कुछ कोर्स भी हम शुरू करने का विचार कर रहे हैं। एक कोर्स जैसे कि डिस्कवर ऑफ सेल्फ, अपने आप को खोजो, कि ध्यान करके अजपा जाप में जाके और हर जगह अपने अपने घरों में भी हर सोसाइटी में एक ध्यान योग केंद्र और मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए। मौन रह के सब लोग 5-10 जितने भी लोग हैं आकर बैठे ध्यान में, योग में, कुछ आसन प्राणायाम में वे लोग जाएं, तो आने वाले 50-60-100 सालों में पूरे विश्व भर में अपने हिंदुस्तान का वेदांत और ध्यान योग का डंका हमको बजाना है आने वाले 50-100 सालों। पिछले 5-7-10 सालों में हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में जितनी धर्म के प्रति, ध्यान के प्रति, योग के प्रति लोगों की जागृति थी, अवेयरनेस, वो आजकल बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। इस प्रकल्प को, इस अभियान को हमें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, जो मिला है उसे बांटना है, जो बांटते हैं वो और बढ़ता है और जिसको हम सीमित रखते हैं वो सीमित तो सीमित हो जाता है, तो जो मिला है उसको बांटना। फेस्टिवल ऑफ लाइफ सेलिब्रेट टुगेदर, तो आज जन्मदिन को मना रहे हैं और कल जो है आज जन्मदिन भी है और साथ में एकादशी भी है, तो एकादशी को भी पर्व के रूप में मनाओ, जन्मदिन को भी उत्सव के रूप में मनाओ। अरे रोने का तो कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं कि 100 लोग हों तभी उत्सव हो सकता है, 2,000, 5,000, 10,000, 10 लाख लोग हों तभी ही उत्सव हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 10 लोग मिलकर भी उत्सव मना सकते हैं, 10 की क्या कहो, 2 लोग अगर हो तो भी उत्सव मना सकते हैं। समझो दूसरा कोई नहीं, आप अकेले हो तो ध्यान में डूबकर ध्यान का उत्सव तो मना ही सकते हो। फेस्टिवल ऑफ मेडिटेशन, ये ध्यान का उत्सव है, तो ध्यान को भी उत्सव के रूप में मनाओ, संकीर्तन को भी उत्सव के रूप में मनाओ, जन्मदिन को भी उत्सव के रूप में मनाओ, एकादशी को भी उत्सव के रूप में मनाओ, ये पूरी जिंदगी को उत्सव के रूप में मनाना, उत्सव है, जिंदगी एक उत्सव है। देखो हमने पहना है ये हार, इसमें कितने प्रकार के फूल है, ये जो है पीला, ये मच्छर भगाने का फूल है, तो मच्छर नहीं है लेकिन जिन लोगों के घर में मच्छर हैं वे लोग इस फूल का जो गमला है अपने घर में लगाएं, ये प्राकृतिक मच्छर भगाने का फूल है। ये मेरे को अभी अभी पता चला, शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता नहीं होगा, ये मच्छर भगाने का फूल है, इसके लिए अलाउट नहीं चाहिए, मच्छर अगरबत्ती नहीं चाहिए, इसको रखो मच्छर भाग जाएगा। सब लोगों के घर में ये फूल का गमला
होना चाहिए। इसकी सुंदरता देखो, ये पीला है, ये जो है ये लाल है, ये जो है कुछ अलग कलर है, ये सफेद है, लेकिन सब बहुत सुंदर है। तो ये जो सुंदर है भगवान में ने इनमें सुंदरता भरी है, ये आनंद के लिए है। भगवान ने पीड़ा के लिए फूल नहीं बनाए, तो फूलों में अंदर कांटे दे देता। ये फूल स्मूथ है, कोमल है। तो ये भगवान ने हर चीज में सुंदरता भरी है, सूरज में, चंद्रमा में, सितारों में, सब में सुंदरता भरी है। तो जीवन को सुंदर भगवान ने बनाने के लिए ही ये पूरी दुनिया बनाई, लेकिन हम हमारे विचार इस जीवन को व्यसनों में और दुर्विचारों में हम इसको गंदा बना देते हैं। तो अब इसको उत्सव के रूप में मनाए, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, सेलिब्रेट टुगेदर, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर। इसको मनाओ, इसको खूब आनंद से मनाओ। कला की कीमत है, कला की कीमत है। तो हमने सोचा कि ये लोग अपने अपने घरों में कोई कुत्ते का फोटो लगाता है, कोई बिल्ली का लगाता है। अब डूबता हुआ जहाज, जहाज टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, और आधा पानी में आधा ऊपर, ऐसा फोटो लगाओगे तो आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव ऑरा आती है। ऐसे फोटो नहीं लगाना। कैसा लगाओ? ओम लगाओ, स्वस्तिक लगाओ, वो लगाओ। तो हमने ऐसे कुछ आर्ट बनाया। अब क्या करना? तो उस आर्ट को लोगों तक पेश करने के लिए एक बैनर होना चाहिए। तो उसके बारे में विचार किया, तो हमने नाम रखा टेम्पल ऑफ आर्ट, कला मंदिर। अंग्रेजी में टेम्पल ऑफ आर्ट मतलब, हिंदी में होता है कला मंदिर। उसमें कुछ हमने बनाया और कुछ हमने संकलित किया। और जो एक बहुत अच्छे पेंटर थे, उन्होंने बनाया ये उपनिषद और पुराणों के आधार पे उन्होंने चित्र बनाया। अब सुभद्रा को तुमने नहीं देखा, अर्जुन को नहीं देखा, अर्जुन सुभद्रा का बनाया। वो तो चल वैसे, वो तो मर गए, लेकिन उनका बनाया हुआ काम किसी ने 50 लाख में खरीदा, किसी ने 1 करोड़ में खरीदा। अब आप सब लोग उसको 50-50 लाख, 1-1 करोड़ में तो खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन वो फोटो तो है, वो फोटो तो 20-25-30 रुपए में आपको अवेलेबल हो, तो अपना संस्कृति का भी रक्षा हो, घर घर में शास्त्र जो है कथाओं के वो सबके घर में पहुंचे। तो कुत्ते बिल्ली के फोटो हटा के अपने वैदिक चित्र, जो सत्संग में कथाएं आती है, उसके आधार पे जो कलाकृति किसी ने किया है, उसकी वैल्यू तुम 50 लाख मत दो, 1 करोड़ 2 करोड़ मत दो, उसकी 25 रुपया 30 रुपया 50 100 200 रुपया, इतना तो कोई हर कोई दे सकता। तो ऐसे करके अपने घर को सजा सकते। तो उसका काम भी मैंने सोचा ये जन्मोत्सव पे प्रारंभ करेंगे, तो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। टेम्पल ऑफ आर्ट का जो है हमने बनवाया, ये कला है, मनुष्य के जीवन में कला है। तो मनुष्य को कला प्रेमी होना चाहिए। जो कला प्रेमी नहीं होगा वो झगड़ा प्रेमी होगा। झगड़ा प्रेमी नहीं हो, झगड़ा प्रेमी नहीं होना, कला प्रेमी होना है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कला होती है, कुछ ना कुछ हुनर होता है। उस हुनर को उसे प्रकट करना चाहिए और उसको अवसर देना चाहिए। तो ये टेम्पल ऑफ आर्ट का कार्य भी जो है आज से अपन शुरू कर रहे हैं सभी के लिए।